आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मोदी सरकार और शिवराज की सरकार युवाओं को नशे की लत लगाकर विफलताएं छिपाना चाहती है। जीतू पटवारी, ये चुनाव मोदी जी को हटाने के लिए उनके किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के चलते अकल ठिकाने लगाने की है। बड़वाहा में कांग्रेस कार्यालय शुभारंभ पर जीतू पटवारी ने किया भाजपा पर करारा हमला। खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। कल जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा ने बड़वाहा आकर भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं आज पूर्व मंत्री श्री जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल एवं विधायक श्री सचिन बिरला की उपस्थिति में कांग्रेस ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया। कार्यालय के शुभारंभ पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये चुनाव मोदी सरकार को हटाने का नहीं लेकिन उनकी अकल ठिकाने लगाने का है। उन्होंने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा, मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी लेकिन आज मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को नशे की लत में धकेल कर उनकी आवाज बंद करना चाहती है। अभी हाल ही में अडानी के पास आई करोड़ों की ड्रग्स की खेप पकड़ में आई, वो कहां गई? उससे युवाओं को नशे की लत लगाकर एक और अडानी से माल कमाना चाहती है, वहीं युवाओं की जुबान बंद करना चाहती है। श्री पटवारी ने कहा, भाजपा सरकार आज किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए चुनाव में किसान, युवा और आम नागरिक भाजपा को हराकर मोदी जी की अकल ठिकाने लगाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ सहकारी नेता श्री कुलदीप सिंह भाटिया, विधायक विशाल पटेल, विधायक श्री सचिन बिरला ने भी सभी को एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी श्री राज नारायण सिंह को जिताने की अपील की। आभार प्रदर्शन शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलेश जैन एवं संचालन शहजाद खान ने किया। इस अवसर पर मंच पर पूर्व विधायक श्री जगदीश मोरानिया, पीसीसी के पूर्व सचिव अशोक जैन, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अनिल राय, प्रवीण शर्मा, सोहन शाह, श्री कृष्ण गोपाल दांगी, नरहरी दांगी, आशीष जैन, श्री ईश्वर चंद दसानी, विमल बरड़िया, अखिलेश व्यास आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा, कुछ नहीं किया। जब उनसे बात करने लगते हैं कि आपने 2014 में कहा था 5 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, तो वो कहते हैं कि आपको राम मंदिर मिला नहीं मिला। जब उनसे पूछते हैं कि आपने तो कहा था 35 रुपए डीजल पेट्रोल कर देंगे, तो वो कहते हैं तुम हिंदू नहीं हो क्या। जब उनसे पूछते हैं कि चाइना ने कैसे अपने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने कहा देखो मेरे पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप है क्या। बात पूछो राम की और बात करेंगे कृष्ण की, बात करेंगे राम की, बातें करेंगे रहीम की, उल्टी बातें। एक भी बात